जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक मोर देन टू इयर्स, वी आर बैक ऑनलाइन एट फेसबुक लाइव। मेरे साथ एज यूजुअल डॉक्टर जासिम खान तारिक हैं, और हमने सोचा आज आपसे सबसे मुलाकात भी हो जाए ऑनलाइन। और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब ने बहुत इश्तियाक जाहिर किया, शौक जाहिर किया कि वापस ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ वो बात करें, मिलें, और कुछ बर्निंग क्वेश्चंस बच्चों के बहुत ज़्यादा हमसे होते हैं स्टूडेंट्स के, उस पर हम बात करें। आज का टॉपिक हमने जो चुना है दैट इज़ ऑन कैरियर काउंसलिंग। इट इज़ ऑलवेज वेरी हॉट टॉपिक, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेरी मच कन्फ्यूज्ड, दे डोंट नो वेयर टू गो, द डायरेक्शन इज़ नॉट क्लियर। और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, 24/7, 365 days a year, this topic remains burning. Doctor sir, welcome to the Facebook live stream. आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पूरे 9 बज गए हैं और वादा जो हमने किया, हम इसको शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, बिकॉज वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ चैलेंज फ्रॉम टिकटॉक, तो हम फेसबुक लाइव को लंबा नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड द टॉपिक इज व्हाई स्टूडेंट्स नीड कैरियर काउंसलिंग। Doctor sir, let's start with what is career counseling? First of all, assalamu alaikum Doctor sir, thank you very much for giving. ye bada zaruri hai, I feel ke hum jo hain beyond our jo call of duty hai, organization citizen hum padhate hain students ko, wo yahi hai ke you know if you're doing something and you're adding value to the system or you're creating some legacy, so you know hum wo job की हद तक तो हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन उससे बियॉन्ड हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर है कि व्हाट यू नो हमारा जो यू नो डूइंग समथिंग यू नो वैल्यूएबल फॉर द सोसाइटी, ये बहुत जरूरी है कि यू नो टीचर्स जो हैं वो दे शुड नॉट ओनली बी कन्फाइंड टू द क्लासरूम्स। हमारे जो आप ये देख लें कि जो सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मेस जिस सोसाइटी में प्रेजेंटली आप देख रहे हैं, उसमें ऑल द मोर इंपॉर्टेंट कि टीचर्स जो हैं दे शुड बी taking the charge and they should be guiding hamare clueless directionless or you know just acha doctor main isi pe aana cha raha hu pehle confusion right counseling is actually ki hum larger platform pe doctor humko guide kare aur classroom se beyond jo hai wo hum apna you know hum share kare, and it is main aapko batau mainly ye iska jo onus hai na wo teachers pe kisi bhi society mein, dekhiye har insaan jo hai वो उसका कोई वोकेशन है, कोई जो है वो यू नो कोई क्लरिकल काम कर रहा है या कोई मैजिस्ट्रेट है या कोई डॉक्टर है, तो मेनली उसका जो है वो यू नो उसका थ्रस्ट जो होगा या फोकस होगा उस प्रोफेशन पे होगा। टीचिंग इज वन प्रोफेशन जिसमें आप यू नो आप अपना जो पॉजिटिव वर्ड से चीजों को आप कन्वे कर सकते हैं, यू कैन बी अ सोर्स ऑफ गाइडेंस सपोर्ट एंड लाइट क्लासरूम बियॉन्ड द क्लासरूम। और जो हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है डॉक्टर साहब, इसमें मैं ये फील करता हूँ कि हमारे सामने तो एक वर्ल्ड दुनिया जो है ना वो is there, world is you know there for us. और सबसे important बात ये है कि you know इसमें जो एक मैं feel करता हूँ डॉक्टर साहब के हमारी जो नियत है वो ये होनी चाहिए कि वो कोई 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 इस तरह से नहीं है कि अपनी publicity या किसी you know economic motive, it is just for the welfare and well-being of our you know young generation who are in a state of confusion, कि उनके लिए हम कुछ you know ऐसी हम उनको you know we are able to be a source of motivation. जहाँ तक आपने बात की सोशल इसकी के यू नो इस सोसाइटी में यू नो सोशल कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरह से स्टूडेंट्स को हम गाइड करें कि वो किस करियर ऑप्शंस या करियर पाथ क्या रखें, अच्छा इसमें आज भी मैं अपनी क्लास में जो ना स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज देयर एंड इन माइंड। जिस तरह भी हमारी जो लाइव स्ट्रीम चल रही है इसमें वी आर यू नो हमें पता है कि हमने जो है ये यू नो किस टॉपिक पे बात करनी है, क्या बात करनी है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है एंड जो है वो माइंड में क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को डॉक्टर साहब ये बताएं कि यू नो व्हाट दे वांट टू अकम्प्लिश एंड व्हाट दे वांट टू अचीव एंड व्हाट उनका जो है व्हाट इज द थिंग दे आर पैशनेट अबाउट, इन्हें जो वो सोच के उठ रहे हैं, ये चीज इस चीज की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिम्मेदारी किसकी, आपने कहा ऑनर्स टीचर्स पे है, do you think only teachers are responsible for it or there should be other stakeholders in the society context mein baat karenge jo responsible hain career counseling ke, kaun exactly kis pe onus hai teachers ke alawa? theek hai main manta hu teachers ka to role hai,
लेकिन टीचर्स के अलावा क्या पेरेंट्स का रोल है, सोशल मेंटोर्स हैं, प्रोफेशनल मेंटोर्स हैं, वो गाइड करने, उनको नहीं गाइड करना चाहिए, रोल मॉडल्स हैं? डॉक्टर साहब आपकी ये वॉइस जो है वो जरा इको हो रही है, बट स्टिल ये रोब है जो व्हाट आई फॉट फॉर सेइंग टीचर्स जो है वो मेनली दे आर द रोल मॉडल्स और यू नो दे शुड बी एबल टू गाइड स्टूडेंट्स इन अ वे कि वो जो यू नो आप रादर देन यू नो इम्पोजिंग योर थॉट्स एंड योर बिलीफ्स एंड योर विशेज जिस तरह हमारे पेरेंट्स करते हैं सोसाइटी में एल्डर्स करते हैं, वी शुड लेट द स्टूडेंट्स डिसाइड फॉर देमसेल्व्स के बात या उन कि क्या कैरियर ट्रेजेक्टरी वो अपने लिए देख रहे हैं। अब अगर आप उनको सिर्फ इस तरह से देखेंगे कि यू नो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स या यू नो कि वो कॉर्पोरेट यू नो सेक्टर को ज्वाइन करें या ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करें, तो हम उनके लिए हमने जो है ना वो ऑप्शन बड़ी लेते हैं। यू नो फॉर इंस्टेंस किसी में बहुत अच्छा अगर म्यूजिकल टैलेंट है, कोई बहुत अच्छा यू नो पर्सन कैन बी एक्टर, यू नो एक्टिंग स्किल्स हैं किसी के, तो वो हम हर एक को जो एक ही यू नो तरह से जो है वो देख रहे होते हैं। इस चीज को हमने यू नो वी हैव टू इस थिंकिंग को चेंज करना है। वो आइंस्टाइन ने बड़ी अच्छी बात की है कि यू नो एवरीवन इज अ जीनियस, लेकिन अगर इफ यू विल जज द फिश एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, तो सारी जिंदगी जो है ना द फिश इज गोइंग टू थिंक दैट इट इज स्टूपिड। सो यू नो लेट द स्टूडेंट उसको जो है यू नो चीज की वो खुद क्या करना चाह रहा है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, तो वो खुद डिफाइन करे अपने लिए जो है बात करके। It might be becoming डॉक्टर साहब मोहित अस्का पूछ रहे हैं कि कैरियर काउंसलर कैसे हम तलाश करें, कैसे हमें पता चलेगा दिस इज अ पर्सन, दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी जो हमें राइट कैरियर काउंसलर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बी योर ओन कैरियर काउंसलर। मैं ये फील करता हूं कि लोगों की गाइडेंस, डॉक्टर साहब इसमें ये कि लोगों की गाइडेंस टू एन एक्सटेंट टू ठीक है वो आपको हेल्प करती है, you know you need some mentor, you need a guide, but you know zyada jo hai na ye onus aap pe khud hai iski jo ki aap khud apne liye decide kare ki aap khud kis cheez mein acche hain। acha usme ye hai ki do teen cheeze agar aap for instance aap do teen cheezon mein acche to aap wo do teen cheeze karna shuru karte hain jisme aapko feedback ke liye 3 se 4 months ya 6 months tak aapko you going to know ki aap kaun sa jo hai you know career jo hai usko aap परसू कर सकते हैं या किस चीज में कौन से स्किल में जो है आप ज्यादा यू नो किस फील्ड में ज्यादा अच्छे हैं कि वहां पे आप स्किल्स एक्वायर करें। सो अच्छा उसमें ये भी है कि आप right. जितनी अर्ली इसमें ये पता चल जाता है ना बेटर इट इज फॉर यू। आप देखिए राइट डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हां मैं अभी ये पूछना चाह रहा था, अक्सर देखिए ये फुटबॉलर्स को देखिए जो मैं जिन लोगों को मैं बताऊं डॉक्टर साहब जल्दी डिसाइड कर लेता है, उन्होंने लाइफ में ये चीज बहुत जल्दी डिसाइड कर ली होती है कि उन्होंने बनना क्या। स्टिल टाइम की बात डजंट मैटर, यू नो इट कैन बी यू नो आप देखें कर्नल सॉन्डर्स के केस में कि उसने यू नो आफ्टर हिज यू नो रिटायरमेंट ही यू नो ओपन केएफसी, लेकिन स्टिल जितना अर्ली आपको ये पता चल जाता है द बेटर इट इज फॉर यू कि वेयर इज योर यू नो जहां पे आपका नीश है, आप जहां पे यू नो यू कैन यू नो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, आपका क्या यू नो व्हाट इज योर पैशन व्हिच इग्नाइट्स यू, जो आपको वही बात है कि रोजाना आप द बेड से किस चीज को सोच के आप उठते हैं, जो जंप मारते हैं बेड से, व्हाट इज द थिंग दैट मोटिवेट्स यू फ्रॉम इनसाइड, या दिस इज कि मैं यू नो दिस इज माय पैशन या दिस इज समथिंग। डॉक्टर साहब माय आई गॉट अ क्वेश्चन नाउ डॉक्टर साहब, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस? हम अक्सर बच्चों से बात करते हैं और पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस में आ गए हैं, सेमेस्टर गुजरता है और बाद में पता चलता है कि सर हम तो इंटरेस्टेड नहीं है कंप्यूटर साइंस में या कोई भी डिसिप्लिन में, हमसे गलती हो गई है, वी वांट टू चेंज इट, समबडी गाइडेड अस रॉन्ग। और मेरा सवाल ये कि स्टूडेंट्स के अगर हमें एंड से सोचें तो वो कौन से चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स फेस करते हैं? एक तो मोहित ने अच्छा सवाल पूछा, उनको सबसे बड़ा चैलेंज ये कि उनको पता नहीं होता कि कैरियर काउंसलर मिलेगा कहाँ से, कौन हमें गाइड करेगा, will it be university professor, will it be school teacher, will it be parent, will it be a accomplished mentor? doctor sir isme ye hai ki you never it's never late to dream, actually sabse bada challenge kaun hai aur wo doctor sir isme jo sunk cost fallacy hai na, maine aapka pura sawal samajh liya hai ki it's never late to change the course of your action, yani career path ko change karne ke liye agar aap dekhe agar feel karte hain humne to phd kar li hai, this is the only thing, academics is the only field we have, to iska matlab hai ki then we are a victim of that sunk cost fallacy,
तो हमें इस संक कॉस्ट फैलेसी को जो है ना, जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी लाइफ की स्टेज पे, यू कैन डिसाइड टू डू अ थिंग, तो वो जो आपकी पास्ट आपने जो उसमें जिस आपने फॉर इंस्टेंस उसकी वाकेशन है, दैट इज नॉट हैम्पर यू, रादर दैट इज गोइंग टू, वो आपको चीज फैसिलिटेट करती है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अभी कोई और नया कैरियर पास स्टार्ट करता हूं, तो इस मेरी जर्नी में जो मेरा पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो सारा इट इज गोइंग टू एक्युमुलेट एज विजडम एंड इट इज गोइंग टू हेल्प मी। तो डॉक्टर साहब हम वही डिस्कस करते हैं, ये संक कॉस्ट फैलेसी होती है, ये हमें प्रिवेंट करती है, हम इस चीज में रहते हैं, इस चक्कर में रहते हैं कि यार बस अब तो हमने जो करना था कर लिया, यार इस कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी अगर हम, तो यू आर नेवर यू नो लेट, इट्स नेवर लेट टू हैव यू नो टू चेंज द कोर्स, कैरियर कोर्स चेंज करना, इसमें कोई मसला नहीं है। तो डोंट बी हेजिटेंट कि यार अब टाइम गुजर गया है, इस चीज का टाइम, दैट यू नो द टाइम टू डू एनीथिंग यू कैन, अगर आप फील करते हैं और आपका जो है वो यू कैन मेक अ करियर। फॉर इंस्टेंस हम राइट नाउ बीइंग एन एकेडमिक, वी कैन ज्वाइन मीडिया अगर हम चाहें। मैं जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, जिस तरह हम जो है वी कैन ज्वाइन पॉलिटिक्स, वी कैन डू अ लॉ डिग्री एंड बिकम अ लॉयर एज वेल। डॉक्टर साहब मेरे एक अपने क्लास फेलो ने अभी स्टेज पे, उसने जो है वो मेडिकल साइंस किया, उसने एमबीबीएस किया नॉर्वे से, और वो अब जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है मेडिसिन। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस चीज में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है स्ट्रीम्स की, और आप करियर जो भी आपका आप जब आपको जब फील हो जाए कि यार यहाँ पे दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी और मैं आई एम बीइंग मेड फॉर अनदर फील्ड, तो यू शुड नॉट बी अ विक्टिम ऑफ संक कॉस्ट फैलेसी, उससे निकले। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा पॉइंट है, इट्स नेवर टू लेट। और कभी भी आपका वो यूरेका मोमेंट आ जाए तो यू कैन जस्ट स्टेयर अप एंड चेंज द डायरेक्शन और फिर से शुरू कर सकते हैं। लर्निंग इज नेवर टू लेट, मैं भी इसी फिलोसफी में बिलीव करता हूँ, लर्न करने का बंदा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मेरा ख्याल है करियर काउंसलिंग के जो सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है वो है स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल्स को अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना, और वो स्ट्रेंथ्स जब तक सामने नहीं आएंगी, वो चाहे वक्त के साथ उसको खुद पता चल जाए या फिर एक्सपीरियंस के साथ कोई बता दे, गाइड कर दे, मेंटोर गाइड कर दे, ये बताएं सबकी नॉलेज के लिए कि व्हाट आर दी स्ट्रेटजीज दैट कैन हेल्प एन इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स। कैसे पता चलेगा कि ये मेरे अंदर स्ट्रेंथ है और ये मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है? इज इट पैशन विच इज एक्चुअली ड्राइविंग यू, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं आप, क्या चीज है जो आपको ये गाइड करती है कि आप इस चीज के हुनर, इस चीज का हुनर रखते हैं आप? अगेन अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन डॉक्टर साहब। देखिए तीन चीजें, एक आपकी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर माइंडसेट, योर एज गुड एज योर माइंडसेट इज, आपका जो माइंडसेट है ना, आपका विनिंग माइंडसेट और पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। किसी भी करियर ऑप्शन में या किसी भी करियर डिसीजन में आपका ऑप्टिमिस्टिक होना लाइफ में, इस है इफ यू स्टार्ट डूइंग द ब्लेम गेम तो फिर वही विक्टिम मेंटेलिटी आपकी हो जाएगी, एंड देन उस विक्टिम थिंकिंग में ना उस ब्लेम गेम में यू सफर का जो माइंडसेट है। दूसरी चीज डॉक्टर साहब जो है वो आपका जो है फोकस है, कि आपका फोकस जो है ना वो बहुत ज्यादा यू नो इट्स चीज आप कर रहे हैं तो वो आप उसमें यू शुड बी हैविंग दैट स्टेट ऑफ फ्लो इन इट। अगर जितना आप उसका स्टेट ऑफ फ्लो में आप होंगे उसमें और उस वो चीज करते हो आपको मजा आएगा तो उतना ही आप यू नो यू गोइंग टू क्रिएट वैल्यू। उस जिस तरह भी राइट नाउ हम लाइव स्ट्रीम कर रहे तो मुझे आई हैव लॉस्ट दिस यू नो सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, तो वी आर उस फ्लो को स्टैब्लिश होते हुए टाइम लगता है, बट वंस आप फ्लो में हो जाते हैं तो द थिंग्स कीप गोइंग। अच्छा फिर तीसरी चीज जो है डॉक्टर साहब वो कंसिस्टेंसी है। अच्छा कंसिस्टेंसी में फिर ये भी आपको पता चल जाता है व्हेन यू आर कंसिस्टेंट अबाउट अ थिंग, आपके क्या स्किल सेट आपने एक्वायर करना, और फिर उसमें जब आपकी एंड डॉक्टर साहब जब क्लियर होती है ना तो फिर आपको ये जो वर्ल्डली फेलियर्स हैं ये देयर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू। फेलियर्स जो है वो आपके लिए स्टेपिंग स्टोन होते हैं फॉर सक्सेस, दे डोंट यू नो वो आपको हैम्पर नहीं करते आपकी प्रोग्रेस, एंड जो है वो क्लियर होती है। अच्छा फिर डॉक्टर साहब इसमें एक बड़ी जबरदस्त किताब पढ़ा था जिसमें उन्होंने कंपेयर किया हुआ था यूसेन बोल्ट को और वन ऑफ द स्विमर्स जिसने यू नो बहुत हीरो जो माइकल फिलिप्स की उन्होंने कहा कि जिस तरह उसकी चेस्ट है ये उसकी फ्लैपर की तरह एक्ट करती है, दूसरी तरफ से यूसेन बोल्ट जो है वो मस्कुलर उसकी लेग्स हैं, ही इज गॉट टॉल लेग्स, तो वो रनिंग के लिए बना हुआ है, मैं स्विमिंग ना हुआ, अगर मैं जो है वो रनर बन गया तो यू वुड नेवर हैव बैक यू नो ये वो कभी भी इस तरह का लेजेंडरी स्विमर ना होता। तो ये बड़ा जरूरी है फिर आपको ये सोचना, डिसाइड करना कि आपका डॉक्टर क्राफ्ट क्या है, व्हाट इज एक्चुअली
द फील्ड जिसमें आप जो है ना यू कैन एड वैल्यू, या जो जो आपके लिए जिसमें आप जो है यू कैन अचीव एक्सीलेंस, तो वो आपको पता चल जाता है व्हेन यू कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. उसमें ये होता है कि आप यू डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन, वो फिर आप फिगर आउट कर लेते हैं भाई कि दिस इज द वन थिंग जो विच कि मेरी इसमें इंटरेस्ट भी है, ये इसमें यू नो इट्स माय पैशन एज वेल, और मैं इसको किस तरह से अपने पैशन और हॉबी को आई कैन कन्वर्ट इनटू समथिंग यू नो प्रोडक्टिव, उसको यूटिलिटी देना. फिर जिस तरह आप में एक स्किल सेट है, जिस तरह फॉर एग्जांपल गार्डनिंग है, तो गार्डनिंग को अगर आप एक नर्सरी बना के उसको यू कैन मेक इट यू नो उसका यूटिलिटी कॉन्सेप्ट भी उसमें आपका जो है ना वो जरूरी है कि वंस यू हैव गॉट अ हॉबी और अ ट्रेड, इवन यू आर फ्रूट प्लेयर, यू नो आप एक अच्छी आप देख सकते उसको आप किस तरह से यू कैन चैनलाइज इनटू से आप वेंचरिंग कर सकते हैं. मतलब ये हमारी सोच है सिर्फ कि हम अपने पैशन को या किसी हॉबी को, आप देखिए जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो किस तरह से एस्टेब्लिश हुए हैं, उसमें आईकिया की एग्जांपल आप ले लेंगे, उसने जब सिर्फ ये सोचा कि वाई यू नो जो वो इंगवर्ड कैंपराड जो है जब वो फर्नीचर लॉरी में डाल रहा था तो उसको सिर्फ एक चीज ध्यान में आई कि इट कैन बी लाइटर एज वेल, कि मैं इतना बड़ा भारी सोफा जो है वो मैं डाल रहा हूँ ट्रक में तो इट कैन बी लाइटर एज वेल, और उसके बाद देखें इट क्रिएटेड उस आइडिया ने इट क्रिएटेड अ होल न्यू बिजनेस, और वो उसने जो है वो क्रिएटिवली डिस्ट्रॉय कर लिया बाकी सारी एस्टैब्लिश जो हैवी फर्नीचर विक्टोरियन फर्नीचर का स्टाइल था. तो वो आपने जिस तरह वो यूरेका मोमेंट तभी आता है आप जो है ना यू ऑलरेडी ऑन द आप हाई होते हैं. ये यूरेका मोमेंट सिर्फ बैठ के नहीं आता कि आप यू डूइंग नथिंग, यू इनटू वेरी थिंग्स. जिस तरह डॉक्टर साहब हम ये पढ़ते हैं कि जो डिस्कवरीज हुई हैं, अब पेंसिलिन की डिस्कवरी है या माइक्रोवेव की डिस्कवरी है या पोस्टेड नोट की डिस्कवरी है, तो वो बाय चांस हुई, लेकिन बाय चांस इस तरह से नहीं हुई कि दे वर डूइंग नथिंग, दे वर अप टू सम कुछ ना कुछ, उसने उन्होंने वो चीज डिस्कवर कर ली बीच में. तो ये इंसान का भी होता है कि आप जब यू नो आप मोशन में आते हैं तो हम डॉक्टर साहब एक चीज पढ़ाते हैं उसको फीडबैक एनालिसिस, आप खुद को आप जब एक चीजों को जब एग्जीक्यूट करने शुरू कर देते हैं तो आपको खुद ही फीडबैक मिलना शुरू हो जाते हैं. फॉर द वेरी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम इज यू आर एबल टू डूली, अब हम नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम इज गोइंग टू उससे आगे करेंगे क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली अपनी मिस्टेक से लर्न कर रहे होंगे. तो इंसान का यही होता है कि वो किसी अगर करियर निकल तो खुद को उसी को फीडबैक जब मिलते रहते हैं ना खुद ही, तो वो ही और शी दे ग्रो वाइजर आउट ऑफ दैट. तो मैं ये स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि यार वो कुछ ना कुछ करना शुरू करते हैं, ज्यादा देर वो हाथ पे हाथ रख के बैठे. या डॉक्टर साहब ये बताइएगा अब गेम जो वो चेंज हो रही है आफ्टर कोविड थिंग्स हैव ड्रामेटिकली चेंज्ड, सो जो स्टैंडर्ड कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम है उसको अच्छा खासा चैलेंज मिल रहा है. चैलेंज इन अ वे जो हमारी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हम पढ़ाते हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी जो सेमेस्टर सिस्टम है इवन वो भी बड़ा अब उसको चैलेंज मिल चुका है. अब इसके बरक्स अब आ गई स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम आ गया. मेरा सवाल अब आपसे ये है कि क्या ऐसी स्किल्स हैं जो इंडिविजुअल्स जो स्टूडेंट्स जो हैं लर्न करें ताकि उनको अपनी कैरियर काउंसलिंग या कैरियर एक्सप्लोरेशन में हेल्प मिले, दे आर एबल टू डिस्कवर देयर कैरियर्स ऑन द पाथ और आसानी से वो फिर स्किल्स जो अडॉप्ट करें और फिर अपने जो आपने कहा ना वेंचरिंग कर सकें. बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल ये पॉइंट कि वेंचरिंग आप देखें, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप वेंचरिंग ना कर सके. वेंचरिंग का मतलब ये यू बेसिकली वॉन्ट टू मेक अ लाइवलीहुड आउट ऑफ इट. अगर आप लाइवलीहुड नहीं बना सकते तो मेरा ख्याल है फिर स्किल डिस्कवरी का काउंसलिंग का कोई फायदा नहीं है. तो मेरा सवाल ये है कि कैसे वो स्किल्स जो है वो अडॉप्ट करें ताकि कैरियर के अंदर वो थ्रस्ट पे पहुंच सकें, बेहतर तरीके से वो काम कर सकें. जी डॉक्टर साहब ओवर टू यू, दिस इज लास्ट क्वेश्चन बाय द वे. अच्छा डॉक्टर साहब ये भी अगेन यू नो कि हमें क्या करना चाहिए, अगेन वेरी रेलेवेंट एंड वेरी यू नो ये या कि हम सिर्फ स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ जाएं. मेरा इसमें मेरी टेक ये कि यू नो वी कैन डू बोथ
क्यों करें, यू नो, हमें जब यू नो हमें आप देखेंगे जो स्किल्स पे यू नो दोज हु आर गुरुस और यू नो मास्टर्स इन स्पेसिफिक्स दे आर समहाउ यू नो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को वो डिसक्रेडिट कर रहे होते हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में जो लोग स्किल्स एक्वायर करें वो साथ साथ जो है वो डिग्रीज भी कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आप ये इट गिव्स यू अ सेफ्टी क्वेश्चन देती है, अच्छा वो यू नो इट कीप्स यू एम्प्लॉयड एज वेल, कुछ यू नो आपको वो इट्स अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल, उसके साथ साथ जो है वो अपने आप स्किल पे काम कर सकते हैं और वही डिग्री जो है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एनहांसिंग योर स्किल्स। फॉर इंस्टेंस अब मैं उस दिन एक बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री देखी सिर्फ इसी टॉपिक पे कि ये स्किल्स को किस तरह से एक्वायर करना चाहिए, तो वो उसमें जो आपकी जो भी हैबिट है या जो भी आपकी हॉबी है आप उसको वीकेंड्स पे भी कर सकते हैं, मतलब आप रेगुलरली यू नो यू गोइंग टू द यूनिवर्सिटी या आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास स्टिल टाइम होता है कि आप अपना काम कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अब हम पीएचडी जो है जो हमने एक्वायर की तो वो यू नो इसके हमारा पैशन था कि यार हमने जो है वो यूनिवर्सिटी वी वांट टू बिकम यू नो अब कि हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करें या वो मुझे चीज रूप तो नहीं करी कि मैं कोई यू नो ऐसी टेक्नोलॉजी आई एम गोइंग टू इंपार्ट यू नो आई एम एबल टू गिव ट्रेनिंग्स। सो मेरा कहने का मकसद ये कि आप एजुकेशन जरूर एजुकेशन को डिस्क्रेडिट नहीं करें, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ साथ आप ये जो डिजिटल स्किल्स हैं ठीक है वो आप मार्केट जिसमें आप देखते हैं कि यू नो यू कैन विच कैन एनहांस आपका पोटेंशियल एनहांस कर सकते हैं आप उनको भी एक्वायर करें। स्पेशली यू नो कट आउट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ये बड़ा जरूरी है कि यू शुड बी अब्रेस्ट विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी टाइप ऑफ फील्ड में, चाहे सेलिंग है, बाइंग है, टीचिंग है, कम्युनिकेशन है, सॉफ्ट स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स हैं, उसको जब तक आप टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड इन नहीं करेंगे यू नीड टू बी टेक्नोलॉजी सेवी, टेक्नोलॉजी सेवी जो है वो होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, हम यही रोकते हैं इसको, हमने यही सोचा था कि हम इसको 18 और 20 मिनट्स तक रखेंगे, इसका अटेंशन स्पैन जो है वो लोगों का। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस। इंशाल्लाह आगे अगले कुछ दिनों में फिर हम रेगुलरली आएंगे डॉक्टर साहब, रेगुलर बेसिस पे इसको कंटिन्यू रखेंगे, मेरा प्रॉमिस। इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच, यस थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।